करो, बंद करो, बंद करो। कैंपसों में गोली बारी क्यों कुलपति? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्यों कुलपति? होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रदर्शन कर रहा है और जब तक कुलपति ये भरोसा नहीं दिलाएंगे कि कैंपसों में छात्रों की सुरक्षा की गारंटी की जाएगी, कैंपसों में नियमित क्लासेस चलेंगे और एकेडमी को दुरुस्त किया जाएगा, तब तक छात्र संगठन आईसा कुलपति के इस्तीफे की लगातार मांग करेगा। अभी कैंपसों में इतनी अराजक स्थिति है, हॉस्टलों की स्थिति खराब है, हॉस्टलों में छतें गिर रही है, मेस की सुविधाएं नहीं है। एकमात्र कैंपसों की दहशत को, कैंपसों के आतंक को खत्म करने का एकमात्र उपाय है कि एकेडमी को दुरुस्त किया जाए, प्रोफेसरों की बहाली की जाए, समय समय पर कैंपसों में सांस्कृतिक गतिविधियां हो। इस कैंपसों की सुरक्षा की गारंटी कुलपति को करनी होगी। जब तक छात्रों की सुरक्षा की गारंटी कुलपति नहीं करेंगे, छात्र संगठन ऐसा आंदोलनरत रहेगा। इसको लेकर के आज हम लोगों ने आंदोलन किया है, डीन प्रोक्टर से हम लोगों की बातचीत हुई है और आगामी दिनों में और बड़ा आंदोलन करना होगा छात्रों के लिए, छात्रों के हित में हम आंदोलन करेंगे। बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है पटना विश्वविद्यालय को, आज उसकी जो स्थिति है बद से बदतर होती जा रही है। एकेडमिक को जो दुरुस्त करने के सवाल जहां आता है, शिक्षक बहाली की बात आता है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन हाथ जोड़ लेते हैं जो हमसे बहाली नहीं होगी। पटना विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग हो, मास कम्युनिकेशन विभाग हो, हिस्ट्री विभाग हो, तमाम विभागों में शिक्षा की कमी है। आए दिन आपराधिक घटना कैंपस में घटित हो रही है, इसको लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन आंखें मौन की हुई है। आखिर कब तक इस बिहार के गौरवशाली इतिहास को, जो धरोहर है, बचाने का काम करने वाले इसको बर्बाद करेंगे? मैं मांग करता हूं राज्य सरकार से, जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की कमी है, आप जल्द से जल्द उस रिक्त पदों को भरे। पटना विश्वविद्यालय की जब तक एकेडमिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगा, दिन प्रतिदिन यहां मारपीट की घटना बढ़ती जाएगी। हॉस्टल जो है सुचारू रूप से नहीं चलता है। हॉस्टल में जो तमाम सुविधाएं होनी चाहिए, स्पोर्ट्स सुविधाएं होनी चाहिए, मेस की व्यवस्था होनी चाहिए, मेस की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार से सांस्कृतिक कल्चर था पटना विश्वविद्यालय को, दिन प्रतिदिन पटना विश्वविद्यालय के द्वारा उसको खत्म किया जा रहा है। छात्र को तमाम यहाँ जो पढ़ने आते हैं, वो एक बड़े सपना लेकर के आते हैं, जो चलो पटना विश्वविद्यालय में मेरा एडमिशन हो गया, हम पढ़ाई करेंगे, आईएएस आईपीएस ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, उसका सपना दिन प्रतिदिन चूर होते जा रहा है। आज हम लोगों ऐसा के तमाम साथियों ने पटना विश्वविद्यालय के पदाधिकारी से मिलकर वार्ता किया है और उनको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जो जब तक पटना विश्वविद्यालय में जो शैक्षणिक अराजकता का माहौल है उसको अगर दुरुस्त नहीं किया गया, पटना कॉलेज में जो गेट है, पटना कॉलेज का मुख्य द्वार, भरना होगा, भरना होगा, भरना होगा। क्यों कुलपति होश